राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको देखो गमले हैं छत पर रख रखे हैं, इनका मैं लहसुन लगा रखा है। लहसुन है ये, और ये इस तरफ मिट्टी है, ये बगैर खाद दवाई का लहसुन है। देखो बहुत बड़ी बड़ी गांठें निकलेंगी इसके नीचे से। ये तीन पौधे दिखाई दे रहे, इनको बंदर करके खराब, बाकी लहसुन को तो बहुत कम खराब करें बंदर। प्याज लगा दे हैं वो पड़ पड़ कर, और जो प्याज है वो खा लेंगे, ऊपर का छिलक फेंक देंगे। ये है नींबू का पेड़ा छोटा है, देखो गमले में है ये भी। इस पर भी अब नींबू लगाएंगे, दो ढाई किलो के करीब नींबू लगा है, बगैर बीज का नींबू है ये। और इन गमले में लगा रखी थी पालक, पालक भी कई बार बना ली सब्जी। और ये अब और कुछ लगा देंगे इनमें, वो लगाएंगे भिंडी के बीज। और ये देखो ये चने हैं, चने भी जिस तरह पालक चने साग बनावें उस टाइम लगा लें, डाल लें ये चने तोड़ के। और ये इसमें देखो बीच में हरा हरा दिखाई दे रहा जो, ये पुदीना है, और ये भी ये चने हैं। अब ये चने उखाड़ देंगे, और ये पुदीना, अब पुदीना का सीजन आ गया गर्मी आ गई। ये देखो इधर भी चने हैं, और बीच में ये धनिया है, ये आलू है। ये दो गमलों में आलू लगा रखे हैं, इन गमलों में आराम से 4-5 किलो आलू निकलेंगे। ये देखो ये किधर बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था, ये देखो ये आलू चारों तरफ आलू दिखाई दे रहे थे। कल बल्कि ये थोड़ा खाद डाल लिया है। अब इनमें भी मेथी बो दी, पहले पालक थी इनमें, अब मेथी बो दी इन गमलों में भी। अब ये देखो पालक है इधर, दो गमले ये हैं, ये धनिया था वो, अब धनिया जिस तरह पकने को रहा है ये। और ये भी दोनों गमले में पालक है। अब एक दो बार और इनमें से काट के साग बना लेंगे, थोड़ा हा धनिया डाल लेंगे, थोड़ी ही वो डाल लेंगे मेथी, थोड़ा हा ये डाल लेंगे चने, तो बहुत बढ़िया साग बना है इनका। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।